जी हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट और इंस्टा पे डीएम आ रहा था कि ट्रेन रेस्टोरेंट का अपडेट देने के लिए, कि दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ट्रेन रेस्टोरेंट के कैंपस के अंदर और ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेन के ऊपर पूरा मिथिला पेंटिंग से इसको सजाया गया है कि हमें दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी वर्कर या कोई भी लोग नहीं दिख रहा है। लोग देख रहे होंगे यहाँ तक ट्रेन आई है, यहाँ पे फिर ब्लैंक पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया गया, फिर आगे से ट्रेन का काम शुरू किया गया। बिल्कुल टॉप का व्यू दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं, पीछे समस्तीपुर जंक्शन है लेकिन हम गलत कर रहे हैं, हमें मालूम है, बस आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए ऊपर आए थे, अब जा रहे हैं नीचे। एकदम चलता फिरता ट्रेन का फील, बगल में स्टेशन है, पूरा रेलवे फील आपको आने वाला। अगर आप लोग रेल फैन है दोस्तों, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बार विजिट करना तो जरूर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट और इंस्टा पे डीएम आ रहा था कि ट्रेन रेस्टोरेंट का अपडेट देने के लिए कि क्या यहाँ पे काम में प्रोग्रेस हुआ है और कब तक ये फिर से ओपन होने वाला है। आप लोगों ने हमारे चैनल पे का पहला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, उस पर जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। समस्तीपुर में अपना ट्रेन रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, उसका हम लोग कवर किए थे और आपको बताया था कि काम में क्या प्रोग्रेस है। सुनने में आया था कि एक महीना में वो चालू हो जाएगा, दोस्तों एक महीना से ऊपर हो चुका है उस वीडियो का। तो चलिए आज देखते हैं कि वहाँ के काम में क्या प्रोग्रेस हुआ है, काम चालू है या बंद है और कब तक ये शुरू होने का उम्मीद है। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, और चैनल पे अगर नए हो, पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए हमारे साथ बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन रेस्टोरेंट के काम में यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ एंट्री पे आप लोग देखिए, पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं, उसमें हम शॉट डाले थे कि नहीं, यहाँ पे पूरा बारिश के कारण कीचड़ कीचड़ हो चुका था। यहाँ पे अच्छा से पत्थर लगा के इसको फिनिश कर दिया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ट्रेन रेस्टोरेंट के कैंपस के अंदर। ये रोड दोस्तों पूरा फिनिश हो चुका है और ये ट्रेनों का पुराना पुराना व्हील यहाँ पे डेकोरेशन के लिए रख दिया गया है। थोड़ा सा प्रोग्रेस है लेकिन काम अभी बंद पड़ा हुआ है। एक महीने का गारंटी था कि एक महीने में चालू हो जाएगा यहाँ पे, कि कुछ ऑफिसर ने भी बात किया था और बताया था कि एक महीने में उम्मीद है चालू होने का, लेकिन काम फिलहाल बंद है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रोग्रेस पहले से ज़्यादा हुआ है। ये दोस्तों जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, यहाँ पर बॉगी को पूरा फिनिश कर दिया गया है। निरीक्षण यान और इस बॉगी के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वैसे इस टेक्निकल चीज़ में आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आइए आगे चलते हैं और ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेन के ऊपर पूरा मिथिला पेंटिंग से इसको सजाया गया है। ऊपर में मधुबनी का कल्चर का यहाँ पे प्रचार किया गया है और मिथिला पेंटिंग डाला गया है। ये पेंटिंग है या फिर स्टिकर है, थोड़ा हम लोग चलिए चेक करते हैं। ये दोस्तों स्टिकर है, आप लोग को अगर कैमरा में पता चल रहा होगा, ये देखिए स्टिकर है। फिर भी जो भी है बहुत ही बेस्ट है, बिहार के कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या है। एसी बॉगी का यहाँ फिल दिया गया है, इधर देखिए आधा बॉगी जनरल खिड़की का है और आधा एसी का है, इसका मतलब उम्मीद है कि शायद ट्रेन रेस्टोरेंट अंदर से फुल्ली एयर कंडीशन होने वाला है। पेंट कर दिया गया है, पूरा बॉगी को फिनिश कर दिया गया है अच्छे से। उस समय भी ये रोड कम्प्लीट था, अभी भी कम्प्लीट है, लेकिन पार्क में कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ज़रा पार्क तो जैसे था वैसे ही, और काम बंद है क्योंकि हमें दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी वर्कर या कोई भी लोग नहीं दिख रहा है। ये दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पीपल का पेड़ है और इसको पेंट करके अच्छा से मेंटेन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ लगा देखने को। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक ट्रेन आई है, यहाँ पर फिर ब्लैंक पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया गया, फिर आगे से ट्रेन का काम शुरू किया गया। ये बहुत ही बेस्ट चीज़ था दोस्तों कि इस पेड़ को बचाया गया। मिथिला पेंटिंग के साथ कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर का भी यहाँ पर फ़ोटो और पोस्टर लगाया गया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ट्रेन दोस्तों पूरा अभी सारा दरवाज़ा ट्रेन का लॉक है, नहीं तो आपको अंदर से भी जाके पूरा दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लॉक लगा हुआ है, कोशिश नहीं तो करते आपको पूरा अंदर से दिखाने का कि अंदर से भी क्या क्या फिनिश हुआ है। और एक बहुत ही बेस्ट चीज़ दोस्तों कि सारे बॉगी का नाम अलग अलग दिया गया, जैसा कि ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंडक एक्सप्रेस, फिर इस बॉगी का नाम है मिथिलांचल एक्सप्रेस। सारे बॉगी का नाम हमारे बिहार की चीज़ों पे रखा गया है, बहुत ही अच्छा लगा देख। और सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों कि इस पुराने बॉगी को जिसका अब यूज़ नहीं था, नैरो गेज का बॉगी, इसको अभी कितना अच्छा से मेंटेन किया गया, इसको वेस्ट नहीं होने दिया गया। और वेस्ट चीज़ से दोस्तों एक बहुत ही बेस्ट चीज़ बनाया गया है, शहरवासियों को एक नया फील यहाँ पर मिलने वाला है। कोई यहाँ पर यहाँ के ऑफिशियल लोग दिख नहीं रहे, नहीं तो हम लोग बात करने की भी कोशिश करते हैं।
और उनसे जानते कि कब तक अभी काम यहाँ और होगा और कब तक शुरुआत होने का उम्मीद है जो आपको और हमको यहाँ का सुविधा मिलेगा। दोस्तों हम लोग मौजूद हैं इस ट्रेन रेस्टोरेंट के मेन इंजन के ऊपर। यहाँ से नज़ारा आप लोग देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। सबसे पहला वाला दोस्तों आप लोगों को बॉगी जो दिखाया, सॉरी उसमें रेस्टोरेंट नहीं उसमें निरीक्षण यहाँ लिखा हुआ था और यहाँ पे कि कुछ लोगों से जानने का मौका मिला, वो लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं थे दोस्तों इसलिए आपके सामने नहीं लाए। उन्होंने जैसा बताया कि वो निरीक्षण यान में जो ऑफिशियल लोग यहाँ के मेंटेन करने वाले होंगे उनका ऑफिस रहेगा, और बाकी जो इधर तीन बॉगी था जिसका नाम अलग अलग गंडक मिथिला था उसमें यहाँ पे रेस्टोरेंट या फिर जो भी होगा चालू होगा। और रेस्टोरेंट का दोस्तों एक बहुत ही नया चीज़ जानने को और मिला कि यहाँ के रेस्टोरेंट के लिए IRCTC आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, अगर आप लोग वहाँ पर चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके अपना टेंडर पास करके आप लोग भी यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्टोरेंट IRCTC के ही ऊपर चलेगा। यहाँ सुनने में आया है, अब वो लोग भी सही थे कि नहीं थे, उनके पास कोई आईडी नहीं था इसलिए हम गारंटी नहीं कहेंगे। उन्होंने जैसा कहा कि यहाँ पे टेंडर निकलेगा और जो लोग टेंडर पास करेंगे अपना टेंडर भरेंगे उनको ये रेस्टोरेंट ओपन करने का मौका दिया जाएगा। खैर इंटीरियर तो अभी हम लोग नहीं दिखा पाए आपको, लेकिन बाहर का वर्क जो लग रहा है यहाँ फिनिशिंग थोड़ा अच्छा से हो चुका है। यहाँ पर ये कौन है, गार्ड है जो भी है, उनका एक बहुत ही अच्छा स्टैचू है, देखने लायक, फ़ोटो तो खींच सकते हैं आप लोग यहाँ पे। बस पार्क का काम दोस्तों फिनिश नहीं हुआ, आप लोगों को दिख रहा होगा पार्क का काम उतना फिनिश नहीं हुआ है। ये रेल इंजन के अंदर का कुछ नज़ारा, पुराना एकदम कबाड़ी पड़ा हुआ था ये चीज़ जिससे इतना अच्छा चीज़ बनाया गया है। बिल्कुल टॉप का व्यू दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं, पीछे समस्तीपुर जंक्शन है लेकिन हम गलत कर रहे हैं, हमें मालूम है। बस आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए ऊपर आए थे, अब जा रहे हैं नीचे। कमेंट नहीं करने लगिएगा और कहीं टैग नहीं कर दीजिएगा कि ये ऐसे कर रहा है, लापरवाही है। मास्क नहीं लगाए हैं दोस्तों क्योंकि अकेले यहाँ पे हैं। पीछे से दोस्तों ट्रेन गुजर रही है, बारिश होने लगी है हल्की हल्की। पीछे आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे इस ट्रेन रेस्टोरेंट का पूरा नज़ारा, बगल से रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है उसका फील, एकदम चलता फिरता ट्रेन का फील, बगल में स्टेशन है, पूरा रेलवे का फील आपको आने वाला। अगर आप लोग रेल फैन है दोस्तों, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक बार विजिट करना तो ज़रूर बनता है। हम लोग भी दोस्तों एक बार आएंगे, कोशिश करेंगे कि बन जाने के बाद आपको पहले दिन यहाँ का विजिट दिखाएँ क्या क्या सुविधा यहाँ पे शुरू हो चुका है। खैर दोस्तों अभी के लिए कुछ ऐसा ही था, मन तो कर रहा था उस पानी टंकी के ऊपर चढ़ के शूट करने का लेकिन जाना सही नहीं था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है इसलिए वो स्लिपरी भी हो चुका है। ये कौन सी ट्रेन है, ये अपनी जा रही है दोस्तों बरौनी गोंडिया, बरौनी से गोंडिया की तरफ जा रही है। रेल ब्लॉग भी दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग देखना पसंद करेंगे कि नहीं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, कमेंट करके बताना है कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलते हैं दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नए से वीडियो में।